बीजेपी सांसद पर दर्ज हुआ डकैती का मुकदमा। ओपनेशिया हॉस्पिटल पर कब्जे को लेकर के बांसगांव सांसद कमलेश पासवान समेत पुलिस ने नामजद 50 अज्ञात के खिलाफ डकैती का मुकदमा दर्ज किया है। यह मुकदमा हॉस्पिटल के संस्थापक विजय पांडे की तहरीर पर हुई है। वहीं डकैती का मुकदमा लिखे जाने से आक्रोशित सांसद ने हॉस्पिटल के संस्थापक पर गाली गलौज और STST के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। बीते सोमवार को हॉस्पिटल के कब्जे को लेकर के संचालक मंडल विजय पांडे और डॉक्टर प्रमोद सिंह में विवाद हो गया। दोनों पक्षों में बढ़ते विवाद के बाद मौके पर बांसगांव सांसद कमलेश पासवान भी आ गए। मामला इतना बढ़ गया कि गाली गलौज शुरू हो गई और पुलिस को कार्रवाई करते हुए हॉस्पिटल को सील करना पड़ा। कुछ नहीं सुनना हमको, उनसे पैसा लेके उठा रहे हो, उनको डायरेक्टर बन जाते हो, उनसे पैसा लेके उनको डायरेक्टर बना देते हो, जिसको चाहते हो उसको जाए बता देते हो। डायरेक्टर आदमी मेरे हाथ से कुछ नहीं है। किसके हाथ से है? आप यहाँ से भाग जाओ, आप पढ़िए, ये आपसे मांगा नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। रिकॉर्डिंग करा रहे हैं, उसके बाद रिकॉर्डिंग होगी, यहाँ पे रिकॉर्डिंग करा। अभी जब जब मजा आ जाएगा। सांसद जी को मिला दिए, उनको बता दिए, रवि जी को बता दिए, नितिन को बता दिए, सब रवि बिल्कुल किसने फंसाया था? तुमने बताया था, तुमने 7 लोगों को नहीं सब पूरा हो गया, हो गया। शांत रहो, तू शांत रहो, तमीज से बोलना ना, तमीज से अंदर नहीं, अंदर नहीं, यही बात होगा, यही बात होगा। नहीं जाएगा ये, पैडलेगंज स्थित इस हॉस्पिटल में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर पद को लेकर के अरसे से विवाद चल रहा था, जिसका मुकदमा ट्रिब्यूनल कोर्ट में लंबित भी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विजय पांडे और रवि श्रीवास्तव का आरोप है कि डॉक्टर प्रमोद सिंह सांसद और उनकी पत्नी सहित परिवार के अन्य सदस्यों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल कर हॉस्पिटल पर कब्जा करना चाहते हैं, जबकि इस हॉस्पिटल को विजय पांडे और रवि श्रीवास्तव ने मिलकर शुरू किया था। वहीं सांसद ने अपने बीच बचाव करते हुए प्रेस वार्ता कर कहा था कि जब हॉस्पिटल घाटे में चल रहा था उस समय हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रमोद सिंह मेरे पास आए और बताया कि संचालक मंडल की लापरवाही की वजह से अस्पताल पर मार्केट का कर्ज हो गया है, जैसे हॉस्पिटल को चलाने में भी परेशानी हो रही है। सांसद और डॉक्टर ने आपसी सहमति से हर बिंदु पर विचार किया और लॉ के तहत वह इस हॉस्पिटल के निदेशक मंडल में शामिल हुए। क्योंकि लड़ाई अगर जो कोई चीज की है, मैं कहता हूं कि अगर जो पेनेशिया की लड़ाई कंपनी में चल रही है, ये लड़ाई ROC में कानपुर से लड़ा जा सकता है। जो स्वयं पेनेशिया NCLT का मुकदमा जो इलाहाबाद में पिछले 3 वर्षों से चल रहा है, वहां लड़नी चाहिए, सड़क पर नहीं लड़नी चाहिए। मैं फर्स्ट डे भी कहा था, जब मेरे ऊपर आरोप लगाया कि अब डायरेक्टर कैसे बन गए, मैं ये कहना चाहता हूं कि नियम कानून के तहत मैं कैसे डायरेक्टर बना। ये ROC के साइट पर जाएंगे देखेंगे, ROC के साइट पर जाएंगे देखेंगे मैं डायरेक्टर बना हूं किन नियम कानून के। अगर मैंने कोई गलती की है तो आप शिकायत करिए, उसकी जांच हो, और उसमें अगर दोषी पाया जाता है तो ROC का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। और वही NCLT का भी, जैसे डॉक्टर प्रमोद सिंह को लेकर मुझे बदनाम किया जा रहा कि प्रमोद सिंह सांसद जी को लेकर यहां पर अपने साथियों के साथ हॉस्पिटल को कब्जा कर रहे हैं। वहीं हॉस्पिटल के संस्थापक सदस्य विजय पांडे यह कहते हुए नहीं थक रहे हैं कि बीजेपी सांसद ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर हॉस्पिटल पर कब्जा करना चाहते हैं और हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रमोद सिंह इसमें उनका भरपूर सहयोग दे रहे हैं।
हॉस्पिटल पर राजनीति प्रभाव नहीं बनने देंगे, मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दोनों पक्षों के ऊपर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है और मामले की छानबीन कर रही है।